हाँ जी, जय जगन्नाथ। आज बनाते हैं इमली और खजूर और गुड़ की एक चटनी, जो कि समोसे और चाट में खाया जाता है ज़्यादातर। तो खजूर और इमली को मैंने 2 घंटे से पहले गर्म पानी में भिगो के रख दिया था, उसकी सीड्स निकाल के। फिर उसको एक ग्राइंडर जार में उसको ग्राइंड करेंगे। एक नींबू का आधा मैंने अभी निचोड़ा, बाकी का आधा मैंने बाद में डाल दिया था बट दिखाना भूल गई। चलो, इसको अब अच्छे से ग्राइंड कर देंगे और एक स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे। फिर उसको छन्नी में अच्छे से छान लेंगे ताकि उसमें जो भी डर्ट वगैरह होगा वो सब निकल जाएगा। इसमें ना पानी डाल डाल के मैंने इसको छाना है, ताकि उसमें मतलब वो पानी रहेगा ना तो भी चलेगा, कोई उसमें कोई कुछ प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बाद में उसको हमको अच्छे से उबालना है उसको, और ताकि और उसमें गुड़ भी डालना है तो गुड़ भी अच्छे से पकना चाहिए ना, तो उसका कच्चापन भी जाना चाहिए, और खजूर और इमली का भी एक कच्चापन होता है वो भी उसे अच्छे से उबालेंगे थोड़ा पानी डाल के, तो अच्छे से वो उबल जाएगा और टेस्ट भी अच्छा आएगा। और इसमें थोड़ा बहुत मसाला भी जाता है, जैसे कि रेड चिल्ली पाउडर, नमक, ब्लैक पेपर पाउडर, ब्लैक सॉल्ट, चाट मसाला और आमचूर का पाउडर और भुना जीरा और भुने जीरे की पाउडर और मिर्च का पाउडर, जो मिर्च आता है रेड मिर्च, उसको भी भून के एक पाउडर बनाया था मैंने जीरे के साथ, वही। अब सारा कुछ इसमें डाल देंगे, उसको अच्छे से उबालेंगे और उसका कच्चापन जाएगा और ये मसाले सारे इसमें घुल मिल भी जाएंगे। एंड सॉरी, मेरी तबीयत अभी भी ठीक नहीं हुई है, गला बैठा जा रहा है बार बार, तो मैं ठीक से बता नहीं पा रही हूँ, और साइड में कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा है तो उसका भी साउंड सा आ रहा होगा आपको, सॉरी फॉर दैट। चलो, इसको बनाते हैं। और इसको एक बार अच्छे से बना लीजिए, बहुत ज़्यादा मतलब ये 6 महीने तक आप उसको अच्छे से एयर टाइट कंटेनर में फ्रीज में रख देंगे ना, तो ये 6 महीने तक चलेगा। एक बार बनाओ, बार बार खाओ। चलो, अभी रेडी होगी, बनाए खाए सबको खिलाए। जय जगन्नाथ। बाय बाय। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। कोई सब्सक्राइब